तो आज हम आए थे जयोटो करोलबाग। जयोटो करोलबाग फोगलेट किसी भाई को चाहिए महिंद्रा जर्मन 1900 रुपए की। किसी भाई को डीआरएल चाहिए 7000 रुपए की है जो कि महिंद्रा जर्मन आता है। किसी भाई को हेडलाइट चाहिए तो 14500 बजट लेके चलना होगा। स्टॉक नहीं आता इसमें, वो अपना रिमूव होकर इसमें S11 क्लासिक वाला इसमें अलॉय डाला है। साइड मिरर चेंज हुआ, पहले स्टिक वाला आता तो रिमूव होकर पूरा मिरर चेंज हुआ जिसमें आपको इंडिकेटर भी मिला। वाइपर की बात करें तो देख पा रहे हो, वाटर स्प्रेयर भी दिखाते हैं, देखो प्रॉपर वर्क कर रहा है। दिलीप भाई वर्किंग वाइपर कितने में लगा के दे रहे हो? 7500 बजट लेके। दिलीप भाई अंदर लेके चलते हैं क्लासिक एस में, पर ये तो क्लासिक एस लगी नहीं रही। एस 11 बना देना भाई, जो हमारे एस वाले जो भाई है सबसे पहले रिक्वायरमेंट होता है डोर पैनल का, ठीक है, जो हम लगा के देते हैं वो भी कितने की 19000 रुपए कंप्लीट वर्किंग के साथ। उसके साथ आपको महिंद्रा जेन्युइन पार्ट मिलेगा, ना कोई पुराना है ना कोई आपका लोकल, जो मिलेगा ओरिजिनल पार्ट। क्या प्राइसिंग में लगा के देते हो? 5000 रुपए के रेट लेके चलना, बेस्ट हो टॉप प्राइस। ठीक है, डायमंड टू भी इंस्टॉल करा हुआ हमने इसके अंदर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए थे जयोटो करोलबाग। जयोटो करोलबाग, ठीक है, स्कॉर्पियो S11, ठीक है, एस मॉडल। चलो हेडलाइट से तो बता सकते हैं, एस था S11, एक आध चीज को छोड़ो पर एस आया था, S11 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर आप फ्रंट से देखोगे तो एकदम S11 में जो आता है सेम वही मिलने वाला, बिल्कुल सेम सारे चीज वही मिलने वाला जो एक टॉप मॉडल में आता है, ठीक है। तो देखो हेडलाइट इसमें नहीं लगा क्योंकि भाई को इसमें LED का इंस्टॉलमेंट चाहिए था, पिछले 2 महीने पहले भी काम इन्होंने करवाए गए थे तो उन्होंने भी पहले LED लगवाए थे, ठीक है। पहले भी स्कॉर्पियो लाए थे भैया, बिल्कुल फ्रंट से क्लासिक एस में क्या क्या चेंज करना पड़ता है? जो अगर इसके काम की बात करें, चेंज की बात करें तो बेस में कुछ भी नहीं आता, ना बॉडी पेंट आता है, ना फॉग लाइट आता है, ना DRL आता है, ना सिल्वर स्किट आता है, ना ग्रिल क्रोम आता है, ठीक है। मेनली सबसे पहले हम बॉडी पेंट करते हैं, बिल्कुल सेम डे में पूरी बॉडी पेंट होके मिला है फ्रंट स्किट सिल्वर के साथ। उसके बाद महिंद्रा जेन्युइन ने फॉग लाइट लगाया, ठीक है, एक DRL लगाया, एक इसी ग्रिल की स्लॉट लगाया जो कि महिंद्रा जेन्युइन सारे पार्ट है। उसके बाद लो बीम हाई बीम लो फॉग लाइट तीनों बीम में इसमें LED इंस्टॉलमेंट हुआ है, 220 वाट 110 वाट, ठीक है। अगर किसी को S11 वाली हेडलाइट चाहिए मिल जाएगी? वही मिल जाएगा किसी भाई को चाहिए तो, ठीक है। पहले फॉग लाइट जलाओ, ये हो गया पहले फॉग लाइट है, ठीक है, ये हो गया लो बीम और ये हो गया हाई बीम। ये हाई बीम हो गया, तो देख सकते हो इसमें हैलोजन बल्ब आता था, बिल्कुल पहले अपने स्टॉक में हैलोजन आता है। S11 के टॉप मॉडल के हेडलाइट भी लेते हो तो उसमें भी आपको लाइट इसमें हैलोजन ही मिलेगा, तो उसमें भी आपको LED अपग्रेड करवाना ही होगा, ठीक है। S11 में बस एक प्रोजेक्टर मिल जाता, बाकी हैलोजन प्रोजेक्टर एक DRL आता है। तो दिलीप भाई प्राइसिंग के साथ चलते हैं। प्राइसिंग की बात करें, फॉग लाइट किसी भाई को चाहिए महिंद्रा जर्मन 1900 रुपए की है, किसी भाई को DRL चाहिए 7000 रुपए की है जो कि महिंद्रा जर्मन आता है। आफ्टर मार्केट 3500-2500 दो रेंज में आ चुका है। जो डबल कलर वाला आता है आफ्टर मार्केट होता है, महिंद्रा जर्मन में सिंगल कलर आता है DRL की बात करें। किसी भाई को हेडलाइट चाहिए तो 14500 का बजट लेके चलना होगा, 14500 ऑलमोस्ट पूरा काम पे 2-400-500 कम भी हो जाता है, ठीक है। तो फ्रंट से हमने दिखा दी सारी चीज़ें आपको, आप करवा सकते हो आके। ग्रिल क्रोम की स्लॉट की बात करें तो 1500 रुपये लेके चलना होगा किसी भाई को, 1500 बट बॉडी पेंट 14000 रुपये, ठीक है। तो साइड से हमने क्या क्या करा हुआ? साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें स्टॉक टायर में स्टॉक रिम आता है इसमें, ठीक है, वो अपना रिमूव होकर इसमें S11 क्लासिक वाला इसमें अलॉय डाला है, तो सेम टायर में लग जाता है, 17 इंच सेम टायर में लग जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो बॉडी पेंट जो करा हमारी साइड की क्लाइडिंग वगैरह देख, बॉडी पेंट में क्लाइडिंग शाम उसका सिल्वर टचिंग देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट भी देख रहे होंगे, प्लस इसमें हैंडल भी आपको पेंट होकर मिलेगा, हैंडल भी मिलता है साथ पेंट, बिल्कुल, ठीक है। तो ये पूरा इंक्लूड है साथ में फुटरेस्ट, ये तो लोकल वाला है, भैया ने कंपनी के अंदर फुटरेस्ट लगवा दिया था, बट फुटरेस्ट आफ्टर मार्केट है जिसमें कॉर्नर इसमें छोटा सा आता है जिसमें हमने कॉर्नर इंस्टॉलमेंट कर दिया है, ठीक है। ये हमने कॉर्नर लास्ट वाला इंस्टॉल करा है, इसमें छोटा वाला आता है, बिल्कुल नॉर्मल छोटा आता है, ठीक है, जिसमें बीच में गैप नहीं रह जाता है वो, ठीक है। तो साइड से यही करा है, उसके साथ इसमें साइड मिरर चेंज हुआ है देख पा रहे होंगे, जो कि स्विच से इसमें एडजस्टमेंट होगा, इसमें डंडी वाला आता है, पहले स्टिक वाला आता तो रिमूव होकर पूरा मिरर चेंज हुआ है, इसमें आपको इंडिकेटर भी मिलेगा, आपको ठीक है इंडिकेटर मिल जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या? डोर वाइजर लगा है, एक इसमें डोर वाइजर लगा है, देख पा रहे हैं विद क्रोम लाइनिंग के साथ, वो भी अच्छे क्वालिटी में लगा है, यही नहीं नॉर्मल कोई लगा देगा वाला चीज़ें नहीं है। उसके बाद इसमें लगा महिंद्रा की एक जर्मन रूफ रेल, ठीक है, ये देखो महिंद्रा इसमें रूफ रेल लगा है, बोल्ट वाला लगा है जिसमें होल होकर लगता है, ठीक है। साथ में एंटीना भी लगा रहा है, S11 की प्रॉपर इसमें एंटीना लगा है, ठीक है। तो क्या अपने कॉस्टिंग में मिल जाता हमें? रूफ रेल की बात करें तो 5000 के बजट लेके चलना होगा, बेस्ट टू टॉप प्राइस बता रहा हूँ। किसी भाई को अगर सिंगल रूफ रेल लेते हो तो 6000 रुपये की रेंज मिलेगी, ठीक है। तो दिलीप भाई ये वाला फुटरेस्ट कंपनी में कितने का मिलता होगा? ये वाला फुटरेस्ट आपको कंपनी में मिलेगा 9 या 9500 रुपये पड़ता है, वो भी छोटे कॉर्नर के साथ मिलेगा आपको, ठीक है। और हम S11 वाला ओरिजिनल कितने में लगा? 6000 रुपये की है, और इसमें देख रहे हो गैपिंग कितना है, ये देखो कितना गैप आ रहा है, जो कि प्रॉपर जो क्लासिक S11 में आपको दूसरा फुटेज मिलता है जो प्रॉपर होता है उसमें गैपिंग नहीं होता है, ठीक है। तो साइड से ये देख सकते हो, साइड से यही सारा काम करा हुआ है,
ठीक है, एलॉयज लग गए। आफ्टर मार्केट का भी ऑप्शन है, आफ्टर मार्केट में 17 इंच 18 इंच 20 इंच बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको 20-22 जो आपकी इच्छा है वो लगा सकते हो। बिल्कुल ठीक है। रियर प्रोफाइल की बात करें तो ऑलमोस्ट सारा काम हुआ जो देख पा रहे होंगे आपने। ठीक है, बैक से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने इसके अंदर इंस्टॉल। सबसे पहले इसमें ले जाऊंगा आपको स्पॉलर पे, ना कोई यहाँ पे क्लैंप मिलेगा ना कोई यहाँ पे आपको लाइट मिलेगा। महिंद्रा जमीन की पहचान आपको यही है, ना कोई क्लैंप ना कोई आपको यहाँ पे लाइट, क्योंकि बॉडी होलो के लगा हुआ है। और इसमें देखो वाइपर का आता है यहाँ पे, वॉशर का। बिल्कुल, तो ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल है, एक उगारी अपना आया हुआ देखो यूपी 32 लखनऊ से। ठीक है, एक और आई है यूपी 32, उसमें स्पॉलर आफ्टर मार्केट लगा हुआ था। ठीक, तो कस्टमर आए थे इसमें वाइपर एक्टिवेट करवाने, तो कंपनी ने उन्होंने 5500 रुपए के आफ्टर मार्केट स्पॉलर लगा दिए थे जो 1900 रुपए के आता है। तो स्पॉलर भी उनको उतरवा के अगर वाइपर एक्टिवेट करवाते हैं तो आफ्टर मार्केट स्पॉलर नहीं लगेगा, उसमें भी ओरिजिनल स्पॉलर में जाना वाइपर तो चल जाएगा। अगर वॉशर चाहिए तो आपको स्पॉलर बदलवाना पड़ेगा, उसके लिए अपना स्पॉलर चेंज हुआ उसमें भी। ठीक है, तो बैक से पिलर लाइट भी लगाई है, इसमें पिलर लाइटें लगा है, पूरी बॉडी पेंट कंप्लीट लगा है। S11 बैजिंग इसमें आपको फ्री मिलने वाला है। बिल्कुल, उसके साथ इसमें एक रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, रिफ्लेक्टर भी हमने ऐड करा हुआ है। बिल्कुल, तो एक बार ये पिलर लाइट वगैरह जला के दिखा दो। तो ये देखो जैसे स्टार्ट करते हैं तो पिलर लाइट अपनी जल चुकी है, पिलर लाइट जल चुका है। ठीक है, उसके बाद इसमें रिफ्लेक्टर भी देख पा रहे स्कॉर्पियो ब्रांडिंग के साथ। ठीक है, रिफ्लेक्टर भी है। बिल्कुल, बाकी एक बार वाइपर, वाइपर की बात करें तो देख पा रहे ऑटो कट। ठीक है, वाटर स्प्रेयर भी दिखाते हैं। बिल्कुल, ये देखो प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो यही वाली चीज़ वो यूपी 32 वाले में नहीं लगी हुई है, स्पॉलर नहीं लगा था, स्पॉलर नहीं लगा, चेंज हुआ तब जाके पूरी कंप्लीट हुआ। तो आपकी जो ब्रेक लाइट वाली होती है ना उसमें पानी आने की जगह नहीं है, आफ्टर मार्केट होता है, उसमें पानी का वॉशर का ऑप्शन नहीं मिलेगा उसमें आपको। ठीक है, तो बैक से यही सारा काम, सारा काम हो। उसके बाद इसमें एक HD कैमरा देखने को मिलेगा। ठीक है, HD कैमरा इंस्टॉल करा हुआ। तो बाकी बाहर से तो दिखा दिया, और में तो जो सारा काम होता है जो कैसलम में होता है सारे चीजें। दिलीप भाई वर्किंग वाइपर कितने में लगा के दे रहे हो? 7500 बजट लेके चलना। 7500 में, और अपना ये स्पॉइलर 5000 रुपए बजट लेके चलना। ये पेंट के साथ मिलता है? पेंट के साथ ही मिलेगा आपको, ना कोई पेंट का पैसा आपको अलग से मिलेगा आपको। ठीक है, इंक्लूड पेंट के साथ आपको। तो एक बार अंदर से दिखा देते दिलीप भाई, अंदर लेके चलते हैं क्लासिक एस में। बिल्कुल, पर ये तो क्लासिक एस लगी नहीं रही। ये सिलेंडर बना देना भाई, जो हमारे एस वाले जो भाई है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट होता है डोर पैनल का। ठीक है, जो हम लगा के देते हैं वो भी कितने की? 19000 रुपए कंप्लीट वर्किंग के साथ। 19000 में लगा के देते, पूरी बेस्ट टू टॉप के साथ आपको 19000 में आपको डोर पैनल अच्छे मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं 19000 में एक ही गत्ता लगा के देते हो भाई? आप कस्टमर से पूछ लेना। ठीक है, चारों गत्ते हैं। बिल्कुल, चारों गत्ते, चारों गत्ते लगा के दिए के साथ साथ इसमें लैच वायरिंग मोटर वोटर सब कुछ कंप्लीट, और उसके साथ देखो वर्किंग मिलेगा आपको। ठीक है, वर्किंग है देखो, देखो कोई हमने ऐसी लगा के नहीं दिखा रहे, प्रॉपर वर्किंग है। मेन डोर से वर्किंग होगा आपका, ये आपका रियर डोर हो गया, अब ये हो गया आपका फ्रंट डोर की देखो। ठीक है, फ्रंट भी वर्किंग, और उसके साथ साथ इसमें आपको लैच भी देखना, मतलब ये आपको ये देखो चाइल्ड लॉक भी देखने को मिलेगा। देखो वहीं से, ये देखो मैं आपको लॉक करा हो रहा है, अब ये नहीं होगा देखो, आप लॉक हो गया है, लॉक हो गया, अनलॉक करना ये लो। अब मैं यहाँ से कंट्रोल करके दिखाऊंगा, ये देखो। ठीक है, यहाँ से भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो यही है फंक्शन चाइल्ड लॉक। बिल्कुल, 19000 में कंप्लीट आपको वर्किंग होकर मिलेगा आपको। तो देख सकते हो फ्लोरिंग वगैरह प्रॉपर, फ्लोरिंग ये देख पा रहे हो प्रॉपर चेक मैट है, ना कि नॉर्मल जो फ्लोरिंग होता है, प्रॉपर एक डाई वाली फ्लोरिंग है। ठीक है, मैट वगैरह इंस्टॉल करें, और मैं सारी चीजें मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो दिलीप भाई अंदर से क्या क्या कर रहा है? सबसे पहले तो सीट कवर चाहिए होता है, नई गाड़ी ले ली तो सीट कवर भी देख लो अपनी काउंटर की मोस्ट डिमांड, जो प्रॉपर एक थाई सपोर्ट वाली सीट कवर होते हो वाले सीट कवर डाला है। ठीक है, सीट कवर की क्वालिटी देख लो। तो दिलीप भाई इसमें कोई रिंकल वगैरह नहीं आते आपके सामने भाई? कोई रिंकल निकाल के दिखा दो, या कोई हमारा बाइक का अपना वीडियो जो देख पा रहे होंगे वो भी अपना देख के जरा से भी कुछ कमी लगे तो कमेंट के अंदर डालना, जो आगे से हम सुधार कर सके। ठीक है, और पीछे की सीट भी देख सकते हो, ये पीछे की सीट की क्वालिटी है अपनी, कुछ तो ऐसी क्वालिटी मिलने वाली है। यानी जो आगे आगे अपना प्रॉपर कर दिया, पीछे अपना रिंकल सारा है, पीछे नहीं आगे है प्रॉपर, तो पीछे भी आपको वैसे सेम देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो बात कर दी सेंटर में अपना होता था पावर विंडो, पावर विंडो होता था, डोर में कन्वर्ट हो गया, अपने यहाँ पे बोतल होल्डर आ गया। ठीक है, तो दिलीप भाई ये इसमें जो आर्मरेस्ट लगा इसके लिए सीट चेंज करनी पड़ती है? उसमें लग जाती सीट में, इसमें आर्मरेस्ट लगा जो प्रॉपर एक S11 में आता है, क्लासिक S वाली सीट ही है ये प्रॉपर। ठीक है, देखो दोनों तरफ आर्मरेस्ट मिल जाएगा हमें, दोनों सीटों में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो सीट कवर हमने दिखा दी, ये थाई सपोर्ट वाला सीट कवर है, एक्स्ट्रा कुशनिंग देते हैं। इसके अलावा ब्लैक में चाहिए किसी को? देखो 10 से 12 सीट कवर अपने काउंटर पे रेडी होते हैं, मतलब डिजाइन के साथ और कलर के साथ। आप आते हो क्लासिक लेके, या तो मैं आपको 10 से 12 सीट आपको रेडी में दिखाऊंगा, जो आप पसंद करते हो लग जाता है। बट आपको उसमें भी कोई पसंद नहीं आ रहा था, 4 से 5 घंटे का टाइम दोगे तो उसमें आपको मनपसंद कलर या डिजाइन मिल जाएगा आपको। ठीक है, सीट कवर तो हमने दिखा दिया, एक बार अंदर बैठ के दिखाते हैं। तो इंटीरियर में आ चुके हैं, अब इंटीरियर की साइड से दिखाते हैं फ्रंट साइड में क्या क्या हमने चेंज करा हुआ। सबसे पहले तो स्टीयरिंग देख पा रहे होंगे आप? ठीक है, जो एक S11 में आता है सेम स्टीयरिंग है।
स्टीयरिंग की बात करें बिल्कुल एक जो S11 में आता है स्टीयरिंग, जो कंट्रोल्स हमें नहीं मिलते क्लासिक S के अंदर, ये दोनों कंट्रोल्स लगाए हैं? दोनों ही कंट्रोल मिलेगा आपको, बट वर्किंग आपका लेफ्ट वाला ही होगा। ठीक है, ये जो ऑडियो होता है जो अपना स्टीरियो वगैरह चलता है यही कंट्रोल होगा, ये जो क्रूज वगैरह ये नहीं कंट्रोल करेगा इसमें? बिल्कुल, और इसके साथ आपको महिंद्रा जेन्युइन पार्ट मिलेगा, ना कोई पुराना है ना कोई आपका लोकल, जो मिलेगा ओरिजिनल पार्ट। क्या प्राइसिंग में लगा के देते हो? 5,000 रुपए के रेट लेगा चलना, बेस्ट टॉप प्राइस है। कोई सिंगल कस्टमर लेने आते हैं तो 5,500 रुपए की प्राइसिंग है। ठीक है, 5,000 में आपको दोनों मिलेगा ये बेस टू टॉप में? ठीक है, अगर सिंगल भी लेना चाहो 5,500 में भी तो आपको दोनों ही मिलेगा? दोनों ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसके अलावा हमने ये वाला जो पार्ट है ये अपना पियानो ब्लैक करा हुआ है। बिल्कुल, जो मैट ब्लैक आता है। ठीक है, जो अपना सीट कवर है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसमें चांद डिजाइन, दो डिजाइन अपने मून डिजाइन में अपने स्टेनलेस दी है सीट कवर के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसी के सेम हमने सीट कवर के अकॉर्डिंग करा हुआ है। बाकी इसमें आज मीटर से पहचान लोगे कि आप ये क्लासिक S है। मीटर चाहिए नहीं थे, एक मीटर नहीं चाहिए थे और एक अपना हेडलाइट नहीं चाहिए थे, तो उन्होंने हेडलाइट में तो चलो अपना LED लगवा लिए, मीटर अपना स्टॉक है। ठीक है, एक और चीज से पकड़ी जाती है क्लासिक S, क्योंकि इसमें क्रोम नहीं है, क्रोम नहीं लग रहा है। ठीक है, AC वेंट में क्रोम लग जाता है इसके अंदर, तो वो भी लगवा सकते हो। उसके बाद इसमें एक लगा डायमंड स्क्रीन, डायमंड 2K। ठीक है, डायमंड 2K इंस्टॉल करा हुआ है हमने इसके अंदर। बाकी ये बिना 360 वाला ये अपने 360 वाले है, कल 360 है। हाँ, बिल्कुल 360 में सपोर्टेड है, कल को 360 लगवाने का मन हुआ कस्टमर को तो लगवा सकते हैं। ठीक है, इसमें इसी के अंदर आपका 360 लग जाएगा, साइड में अपने में वो कैमरा वगैरह इंस्टॉल। 4GB रैम है, 64GB इंटरनल रैम भी है, एंड्रॉइड ऑटो कार प्ले है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। बाकी यहाँ पे आपको वॉल्यूम वगैरह देख सकते हो, जितनी वॉल्यूम है यहाँ पे दिखेगी आपको सारी चीज़ें। ठीक है, इससे आगे पीछे करने के लिए ट्रैक वगैरह। उसके बाद देख पा रहे होंगे प्रॉपर पेंट वाला मिलेगा जो क्लासिक में आता है फ्रेम। ठीक है, एक इसमें कंसोल देखने को मिलेगा जो तो ये जो S11 के अंदर आता है सेम वही वाला अपना है। बिल्कुल सेम वाला, हमारे पास पहले से ही होता रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक होते हैं, फुल स्टॉक है इसका। बिल्कुल ठीक है, उसके साथ इसमें लगा है सन ग्लास होल्डर, ले लो। ठीक है, ये देखो सन ग्लास होल्डर लगा हुआ है, ये अपनी 200 वाट वाली LED के साथ, 150 वाट है, 150 वाट है। ठीक है, उसके बाद इसमें पायनियर का कंपोनेंट लगा है। ठीक है, और देखो ये पॉड की तरह यूज कर लिया, जो यहाँ पे डंडी आती थी साइड मिरर के लिए, तो अब आपके साइड मिरर की यहाँ आ जाएगी। और इसमें देखो लाइट भी जलती है, जैसे आप पार्किंग ऑन करोगे, जैसे S11 में लाइट जलती है ना, तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। पहले आपको डंडी से कंट्रोल करना पड़ता था ये, और दोनों साइड का कंट्रोल कर सकते हो इधर से। ठीक है, फोल्डिंग नहीं होता स्कॉर्पियो क्लास में, फोल्डिंग नहीं होता है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है फोल्डिंग, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा एक बार रिवर्स कैमरे की क्वालिटी भी दिखा देते हैं आपको। तो ये कुछ क्वालिटी मिलने वाली है हमें, ये रात का टाइम है तो रात के टाइम में कुछ ऐसी विजिबिलिटी आती है इसकी। दिलीप भाई, क्या कॉस्टिंग इसके अंदर पूरी आ रखी है अपनी स्कॉर्पियो? प्राइसिंग जो इसमें टोटल आया 1,80,000 रुपए इसमें खर्चा है, 1,80,000 में हमारी बिल अलॉय। ठीक है, बिल अलॉय बिल्कुल, जो कि अलॉय की प्राइस आज के टाइम में 30,000 रुपए रेट हो रखा है, 30,500 का। ठीक है, एक टाइम तो 19,000-20,000 रुपए प्राइस था, फिर 22 हुआ, फिर 24 हुआ, फिर 26, मतलब रेट आज के अकॉर्डिंग। नई गाड़ी का पीस उतरा हुआ था, और ज्यादा पुराना में जाता हो तो 25-26 के रेंज में मिल जाता है, जो 5-6 महीने चला हुआ पीस होते हो। ठीक है, तो हमने सारी चीजें तो दिखा दी स्कॉर्पियो क्लासिक तैयार करी हुई, इसके अलावा भी ज्यादा काम करवाना है वो भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें लगवा सकते हो, जैसे मीटर हो गया, AC वेंट हो गया, एडिशनल इसमें एम्बिएंट लाइट, और यहाँ सॉफ्ट टच करवा सकते हो। ठीक है, गत्ते में इंटीरियर के कलर का ही करवा सकते हो, इंटीरियर में जा सकते हो, पिलर हो गया, रूफ लाइट मतलब रूफ रैपिंग हो गया। ठीक है, ये अपना डैशबोर्ड के ऊपर भी ब्राउन कलर करवा सकते थे सीट कवर जैसा, तो इंटीरियर का काम भी हो जाता है। हमारे कस्टमर लगे तीसरी गाड़ी है, और जो भी काम करवाते हैं एक S11 तक ही करवाते हो, और जो भी करवाते अच्छे काम करवाते हैं। ठीक है, तो एक बार कस्टमर से भी फीडबैक जानते हैं। फाइनली कंप्लीट हो गई अपनी स्कॉर्पियो, तो अपने साथ ओनर है, उनका नाम जानते हैं सर? मंजीत उडा। ठीक है भैया, कहाँ से ट्रैवल करके आए हो? रोहतक। रोहतक से, कैसे पता लगा आपको ये ऑटो के बारे में? भाई तीसरी गाड़ी करवा के लेके जा रहे हैं ये। अच्छा, भाई तीसरी गाड़ी है जी, तीनों स्कॉर्पियो ही है? हाँ जी। ठीक है, तो पहले का वाला काम आपने कितने टाइम पहले कराया था? 3 महीने पहले करवाया था। ठीक है, अभी तक सही चल रहा है? बिल्कुल ओके। ठीक है, तो इसमें आपने काम करवाया, आप तो वैसे रिपीटेड कस्टमर हो, किसी चीज़ की कुछ कमी लगी? नहीं नहीं, 1% भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। जो कमी होता तो तीसरी बार होने नहीं आते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे कि पहले अच्छा करा हो बात काम और अब थोड़ा सा बेकार करा हो? नहीं 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 नहीं, नहीं, और भी बेटर है। ठीक है, बेटर है। ठीक है, तो एक छोटी सी रेटिंग लेते हैं आपसे, 10 में से कितने नंबर देना? 11 देंगे भाई। 11 दोगे? बिल्कुल। काम से खुश हो आप? हर जगह से, मतलब हर चीज़ से खुश है, काम से भी, गाड़ी से, बाइक से भी बहुत खुश है। ऐसे कोई नेचर यहाँ पे किसी के मत पूछो? नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो और आपके यहाँ से जो वीडियो देख पा रहे होंगे जिनकी गाड़ी स्कॉर्पियो क्लासिक बेस मॉडल है, तो आ सकते हैं काम के लिए? बिल्कुल बिल्कुल।
तो भैया की तीसरी गाड़ी तो आ गई है भैया, चौथी जब प्लान करोगे फिर आओगे दोबारा? बिल्कुल आएंगे भैया, आएंगे क्यों नहीं। चौथी का चौथी पांचवी छठी यही आएगी, जब तो भैया के मतलब भैया के खुद की गाड़ी यार दोस्त में रिलेशन जो भी गाड़ी है यही आती है, यही पे आता रहेगा। ठीक है, यही आते बिल्कुल। बाकी दिलीप भाई कहाँ आना पड़ेगा ऐसा? इसके लिए आना पड़ेगा जय ऑटो करोलबा दिल्ली अब्दुल अजीज रोड। ठीक है, और एक टोटल कॉस्टिंग की बात करें तो इसमें आपने टोटल पे कितने किए? अपने 1,80,000 रुपये। 1,80,000 आपने पे करा, जिसमें अलॉय है साथ में, सब कुछ हो गया, बॉडी पेंट भी साथ में पूरी कम्प्लीट है। ठीक है, 1,80,000 में कम्प्लीट करके दिया हमने। ठीक है, तो दिलीप भाई अगर किसी को रेट लिस्ट चाहिए वो व्हाट्सएप के थ्रू आप दे दोगे? व्हाट्सएप पे स्क्रीन में फ्लैश मेरा नंबर आ रहा होगा, जैसे आप कॉल कर रहे हो मैं कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ, कई बार बिजी रहता हूँ, तो मेरे नंबर से अपने व्हाट्सएप पर डाल के अपना स्कॉर्पियो की मतलब अपने मॉडिफिकेशन की प्राइस लिस्ट मांग सकते हो, मैं फ्री होकर उसमें लिस्ट भेज दूंगा आपको। ठीक है, पूरी लिस्ट भेज दोगे स्कॉर्पियो के प्राइस की। बाकी आने से पहले नंबर पर कॉल करके आ जाना, कॉल कर सकते हो, लोकेशन दिलीप भाई भेज देंगे। बिल्कुल भेज दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं, ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिस्ट।